मजनू एक बात बता। हाँ भाई। पाइथागोरस थ्योरम सुना है क्या तूने? हाँ वो मैथ्स में पढ़ा था। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? हाँ? फाइलम प्रोटोजोआ सुना है क्या? हाँ वो साइंस में पढ़ा था। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? ऐच्छिक कटकट। औरंगजेब पता है क्या? हाँ वो मुगल बादशाह हिस्ट्री में पढ़ा था। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो टीचर है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग को क्या म्युनिसिपैलिटी का कचरा डेपो समझ के रखा है? जो स्कूल में 15 साल से कचरा डालते जा रहे, कभी सोचा इन सब चीजों का रियल लाइफ में इस्तेमाल होता भी है या नहीं? तूने रियल लाइफ में कभी किसी चीज का स्क्वायर रूट निकाला है क्या? होटल में वेटर जब बिल लेके आता है तो हम तो पेन पेपर लेकर स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाते हैं ना। या फिर जब गर्लफ्रेंड पूछती है बेबी तुम मुझे कितना प्यार करते हो, हाथ हम स्क्वायर रूट काटते। मैंने तो रियल लाइफ में कभी पट्टी लेकर किसी ट्रायंगल का एंगल मेजर नहीं किया आज तक। बस एक बार नुनू का साइज चेक किया था, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों हर बार चेंज होता रहता है। इसके पीछे का साइंस नहीं सिखाएंगे ये टीचर लोग स्कूल में? हमें तो सिखाया जाता है कि कैसे राजा महाराजा हाथ में तलवार लेकर जंग जीतते थे। तो मैं क्या करूं भाई? तलवार लेकर बैठ जाओ जॉब इंटरव्यू में, अगर सिलेक्ट नहीं किया तो भेंचो वही गला काट डालूंगा और उसके सिंहासन पे जाके बैठ जाऊंगा। हमें तो हिस्ट्री में यही सिखाया जाता है कि लड़ने से जंग जीती जाती है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि उसके बाद वहाँ पुलिस आती है और जेल ले जाकर गांड पे डंडा मारती है। वो कैलकुलेटर पे एम प्लस लॉग एबीसी साइन कॉस रूट लौड़ा लसन लिखा होता है, कभी हमें ये बताया कि ये बला है क्या, करते क्या है? नहीं, हमने तो कैलकुलेटर का सिर्फ एक इस्तेमाल सिखाए, बूप्स बनाना, और वो भी टीचर ने नहीं सिखाया, हमने खुद सिखाए। हजारों रुपए स्कूल की फीस, लाखों रुपए ट्यूशन फीस खर्चा करने के बाद हमने सिर्फ बूप्स निकालना सिखाए। वाह, जब कोई ट्रैफिक हवलदार मुझे सिग्नल पे पकड़ता है ना तो मैं बोल देता हूँ कि मैंने लॉ पढ़ा है। वो पूछता है कौन सा लॉ, मैं बोलता हूँ न्यूटन्स लॉ, आइंस्टाइन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, घोसड़पंथी लॉ। चार हमारे देश के लॉ सिखाते तो इनके बाप का क्या जाता बे? देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई लेकिन स्कूल के बच्चों को नहीं मिली अब तक, इसीलिए मुझे क्रांतिकारी बनना पड़ा है आज। बच्चों तुम मुझे लाइक दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी होमवर्क से, आजादी पढ़ाई से, आजादी एग्जाम से, आजादी टीचर से। एक तो ये टीचर पूरा साल हमें एक कचरा ज्ञान पढ़ाते रहते और बाद में हमें एग्जाम भी देनी पड़ती है। एग्जाम में पूछते हैं 200 लाइन का निबंध लिखो। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो, अगर मैं बिजनेसमैन होता तो, अगर मैं फिल्म स्टार होता तो। देखो अगर मगर के चमचो, इन लोगों ने सही टाइम पे स्कूल छोड़ दिया इसलिए वहाँ पहुँचे ये लोग। और जो पढ़ाई पूरी करते वो टीचर बनते। दुनिया के 90% पीएचडी किए हुए लोग या तो प्रिंसिपल बनते, प्रोफेसर बनते या टीचर बनते, और फिर हम बच्चों की मारते। ये टीचर लोगों को कोई सुधार नहीं सकता। अ गुड टीचर इज अ मिथ। वो थ्री इडियट वाले को देख ले, बेटा मर गया फिर भी दूसरे दिन लेक्चर देने पहुंच गया भोसड़ी का। इन लोगों का कैरेक्टर मुझे पकड़ में नहीं आता। पहले तो हमारे पेरेंट को कंप्लेंट करते हैं कि आपका बेटा स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं करता, मस्ती करता है, लड़कियों को छेड़ता है, और जब स्कूल ना जाओ तो फिर पूछेंगे कल स्कूल क्यों नहीं आया था, चल उठक बैठक मार। भाई तुम लोग चाहते क्या हो? खून चूसोगे? चूसो, बच्चे की जान ले लो। वो नुन्नू वाला मैंने भी किया, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो 911, हेलो हु इज दिस? मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजने के जुर्म में मैं अपने माता पिता, टीचर, प्रिंसिपल, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस ठोकना चाहता हूँ। एनीथिंग एल्स? और सब्सक्राइब भी ठोक दो।